हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओ लेवल का इंटरनेट टेक्नोलॉजी और वेब डिज़ाइन जो पेपर हुआ है आज के डेट में, यानी 14 सितंबर को था। नीलेट द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। जो भी स्टूडेंट आने वाले दिनों में ओ लेवल करेंगे उनके लिए ये उपयोगी होगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्ट वन में, जैसा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें ये पूछा था एचटीएल में कितने हेडिंग टैग्स होते हैं। यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो उन नेटवर्क के बीच डाटा अंतरण करता है जिनके कार्य समान है लेकिन कार्यान्वयन भिन्न है। तो ये जो आप लोग देख लीजिएगा कि आंसर इसका क्या होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे डीएनएस परिणत करता है डोमेन नाम को आईपी में, आईपी को डोमेन के नाम में, डोमेन के नाम को फिजिकल एड्रेस में या फिर ए और बी दोनों में। यहाँ पे रो हाइट बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, रो स्पैन का या फिर कॉलम स्पैन का या फिर सेल स्पेसिंग का या फिर सेल पैडिंग का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी के सर्वर से जुड़ने के लिए आपको डैश की ज़रूरत पड़ेगी, यानी किसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एचटीएमएल फाइल को वेब सर्वर पर अपलोड करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, इन सभी चारों ऑप्शन में किसका उपयोग किया जाता है, एचटीटीपी का, एसएमटीपी का, एसआईपी का या फिर एफटीपी का। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद मैसेज को टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिन्हें पैकेट्स कहते हैं, यानी कि ये ऑप्शन सही है जैसे मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है इसके बारे में। और यहाँ पे प्रोसेस डिजिट्स वाइट्स, तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वेब का नेटिव प्रोटोकॉल है SLIP, TCP/IP, HTTP या फिर PPP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पर संसाधनों का पता लगाने के लिए डैश एक समान नामकरण योजना है URI, HTTP, वेब नेम, रिसोर्स नेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रिमोट संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त है, टेलनेट, WAIS, ब्राउजर, HTML। फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जो ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता है। आईपी एड्रेस स्पेस कुल चार वर्गों में विभाजित है जिनको ए से डी तक अक्षर दिए गए हैं, ट्रू है कि फॉल्स है, आप लोग बताइएगा। इस पर मत जाइएगा, आप लोग मैच करा लीजिएगा जो भी प्रीवियस ईयर या फिर कोचिंग करते हैं आप वहाँ से। वेब की खोज के कार्य को सर्फिंग के रूप में जाना जाता है। एक ईमेल एड्रेस में दो भाग @ प्रतीक द्वारा विभाजित होते हैं। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर है, यानी ये तो गलत है मुझे पता है। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर या सर्वर का अपना खुद का आईपी एड्रेस नंबर होता है। ASP पेज एक्टिव वेब पेज होते हैं। फायरवॉल का उपयोग लैन पर साइटों को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। XML, HTML जैसे पूर्व परिभाषित टैगों का उपयोग करता है। SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग मेल क्लाइंट के द्वारा मेल सर्वर से मेल मंगाने के लिए किया जाता है। फुल डुप्लेक्स मोड में कोई टकराव नहीं होते हैं, तो ये सही है कि गलत है आप लोग देख सकते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा है वो आपका मैचिंग पूछता है, यानी मिलान कीजिए पूछता है। ये एक्स दे देगा या वाई दे देगा, इन सभी में आपको मैच कराना है। वहाँ पे जो आपके ओमआर शीट रहेंगे उसमें भरना होगा, जैसे 3.1 का क्या सही होगा, जैसे द टैग यूज टू डिवाइड द HTML पेज, तो इन सभी में क्या होगा, वैसे DIV है ये सी आपको वहाँ पे भरना है। DIV द लीडिंग बिट पैटर्न ऑफ क्लास बी नेटवर्क इज क्या कहते हैं, टू मेक योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली यू कैन मेक योर वेबसाइट। व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर, JavaScript इज, JavaScript क्या है, कॉपीराइट आर प्रोटेक्टेड बाई। उसके बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जनरली यूज फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट एक्सटेंड द फॉर्मेट ऑफ ईमेल टू सपोर्ट टेक्स्ट इन कैरेक्टर से टॉप लेवल डोमेन .com होता है जिसे कामयाब दिया है। कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इसको क्या बोलते हैं। और जैसा कि उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और दो तीन ऑप्शन ज़्यादा दिए जाते हैं कि आपको कन्फ्यूजन आपको बना रहा है। तो यहाँ पे 2.4.1 का जो पूछा है, द फिजिकल एड्रेस इज नोन एज एरर डिटेक्शन एट डाटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाई डैश इज लूपबैक एड्रेस अ यूनिट ऑफ डाटा एट डाटा लिंक लेयर इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग एन ईमेल। डैश इज द फ्रिक्वेंसी वाइड ऑफ ट्रांसमिशन चैनल इन हर्ट्स, किलोहर्ट्स, मेगाहर्ट्स, ETC। तो यहाँ पे तो बैंडविड्थ होगा। स्पाइडर क्या है, डैश इज सुटेबल फॉर सिंगल बिल्डिंग लैन जो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे मुझे पता है। द पोर्सन ऑफ द IP एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क इज कॉल्ड द डैश। उसके बाद द एड्रेस ऑफ राउटर इज, राउटर का एड्रेस क्या होता है, इन दो ऑप्शन में कोई एक होगा।
उसके बाद आपसे 60 नंबर के पूछे जाते हैं रिटेन वाले। तो यहाँ पे दिया है कि नहीं, 4 प्रश्नों का उत्तर दें, 1, 2, 3, 4 और एक पेज और है 9 नंबर। तो इन पांचों में से केवल 4 के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जैसे कि पांचों यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये ABC तीनों आपको करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें का एक कर लें, इसमें का दो कर लें, इस तरह से नहीं। जो आप टच करेंगे उसका पूरा सेगमेंट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फंडामेंटल ASP ऑब्जेक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट में अंतर पूछा है, HTML फाइल और ASI फाइल क्या है, HTML के लाभ और सीमाएं बताएं, ASP के लाभ और कमियां बताएं। फिर 6A में HTML में टेबल टैग की विशेषताएं उदाहरण से समझाइए, उसके बाद मेटा सर्च इंजन और सर्च इंजन के बीच अंतर, हब और स्विच के बीच में विस्तार से बताएं। फिर 7वां जो पूछा है, HTML फॉर्म टैग के बारे में उसकी विशेषताएं सहित बताएं। फिर क्रिप्टोग्राफी क्या है, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बीच डिफरेंस पूछा है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताएं और रिंग टोपोलॉजी की विस्तृत व्याख्या करें। फिर OSI मॉडल का विस्तृत विवरण दें, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के एक एक साथ काम करने की व्याख्या करें, CGI के बारे में संक्षेप में लिखें। उसके बाद जो जैसा कि मैंने एक 9 वाला जो बताया था, इसमें ये भी 4 पॉइंट दिए गए हैं जिनमें से केवल आपको 3 करने हैं, तो 5-5 नंबर के। तो इंटरनेट तथा इंट्रानेट के बारे में पूछा है, फिर ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स क्या है, फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, इंटरनेट अपराध यानी इंटरनेट क्राइम है इसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये 60 नंबर के होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहला पार्ट है जो 40 नंबर के पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टॉप ऑब्जेक्टिव टाइप और ये मैचिंग वर्ड, इसके साथ ही ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, इन चारों में आपको कम से कम 20 नंबर पाने हैं तभी आपकी जो रिटेन कॉपी है वो चेक होती है। यदि आप 20 नंबर अचीव नहीं करते हैं, यानी कि 19 पाते हैं, 17 पाते हैं, तो फिर आपकी जो अगली कॉपी है वो चेक नहीं होती है और आपको फेल मान लिए जाते हैं। तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 20+ होना चाहिए, कम से कम 20 तो होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा यदि आपकी अच्छा मार्क्स लाते हैं, यदि 35 लाते हैं, 30 लाते हैं, तो और अच्छी बात है। इन सब में भी आपको फुल मार्क्स मिलते नहीं हैं क्योंकि ये रिटेन होता है। तो दोस्तों यदि आप इसमें 60 नंबर के अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें मान कर चलिए कि 50% मिल ही जाता है, यानी कि 30 नंबर मिल जाता है। यदि सही आप लिखेंगे तब भी 40 नंबर भी मिल सकता है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और इसमें वही सी और डी बी इस तरह के ग्रेड दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये आज के पेपर हैं, और इसका जो कोड है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, पेपर कोड जैसा कि इसमें दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों M2R4 इसका जो है पेपर कोड है। तो ओ लेवल में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट चूज करना होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। तो 4 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करना है, और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 साल के लिए वैलिड हो जाते हैं। 5 साल में आप चाहे 6 महीने में इसको कंप्लीट कर लें, या फिर 1 साल में कंप्लीट कर लें, या 5 साल में कंप्लीट कर लें। यदि आप फेल होते हैं फिर से आपको फ़ी पे करना होगा उस पेपर को देने के लिए। तो दोस्तों ये पेपर रहा, यदि आपको ज़रूरत है इस चीज़ को तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।